आइए। सो आज हम लोग करेंगे मई 2019 का पेपर। नाउ आप लोगों को ये बात याद होगी, मैं अक्सर क्लास में ये बात बोलता हूँ, फुल कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मई 19 के पेपर में ऐसा कुछ टफ वाला चीज नहीं था कि पेपर बहुत टफ था, बट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आना, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के सम में बाई प्रोडक्ट का सम, आर गेटिंग माई पॉइंट, लेबर के सम में वो एफिशिएंसी रेशियोज वगैरह निकालने देना बजट के सम्स में। तो पेपर टफ नहीं था, आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब जिसको हम लोग अक्सर छोड़ के जाते हैं ये सब टॉपिक्स, उन सब टॉपिक से हमारा क्वेश्चंस आया है। एंड पिछले 2 टर्म से कंपैरेटिवली पेपर क्वाइट इजी आ रहा है, तो उसके बेसिस पे भी थोड़ा डिफिकल्ट है ये। अगर आप पूरा फुल सिविल्स का कवरेज करके जाएंगे तो ऐसा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1A, राइट। अपने को एफिशिएंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज, और अपने को ये सब बोल दिया है। नाउ स्टैंडर्ड वर्किंग आवर मतलब नॉर्मल वर्किंग आवर बता रहा है, 8 घंटा पर डे ऑफ 5 डेज, तो 40 घंटा हो गया 1 वीक का। और क्वेश्चन में सब 4 4 वीक्स बोल रहा है, तो 4 4 वीक मतलब 160 घंटा पर वीक। अच्छा, मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल आवर, दिन रात अगर काम किया जाए तो 60 मैक्सिमम पॉसिबल आवर आएगा 60 एम्प्लॉय के बेसिस पे, बट हमारा एक्चुअल वर्किंग है 50 एम्प्लॉयज के बेसिस पे। मैक्सिमम इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। एटीएम काउंटर्स हैं जो कि 24x7 खुले रहते हैं, ऐसे देखा जाएगा तो मैक्सिमम बहुत कुछ हो सकता है। एक्चुअल वर्किंग हमारा 50 एम्प्लॉयज, तो एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड पर 4 वीक 8,000, तो एक्चुअल आवर एक्सपेक्टेड मतलब ये हमारा बजट हो गया, इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। स्टैंडर्ड आवर एक्सपेक्टेड मतलब हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी हो गया। देखो ना, 160 इंटू 50 करो तो यू आर गेटिंग 8,000 आवर, एंड 160 इंटू 60 करने से 9,600 आवर आ रहा है। एक्चुअल आवर दे दिया और स्टैंडर्ड आवर दे दिया, तो ये रेशियोज निकालने के लिए जो परसेंटेज दी निकालना है अपने को, एफिशिएंसी एक्टिविटी ये सब चीज के लिए अपने को यही सब चीज चाहिए। तो नोट नंबर 1, मैक्सिमम आवर्स 8 × 5 × 4 × 60, 9,600 दिया हुआ है। बजटेड आवर्स, राइट, 8,000 घंटा दिया हुआ है। एक्चुअल आवर 7,500 घंटा दिया हुआ है, एंड स्टैंडर्ड आवर बताने का दरकार नहीं है। अभी अगर अपने को लाइन से सारा बोला है तो हम लोग निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई नो। सबसे पहला हम लोगों को पूछा है एफिशिएंसी, इट्स अ कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, तो स्टैंडर्ड आवर बाई एक्चुअल आवर इनटू 100, राइट। लेबर के सारे सम्स में हम लोग एफिशिएंसी रेशियोज यूज करते हैं, 8,800 बाई 7,500 इनटू 100। बताइए, सॉल्व करके बताइए।
कितना आ रहा है? 117.33%. वेरी गुड. नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी. नाउ एक्टिविटी रेशियो मतलब आप कितना परसेंट ऑफ कैपेसिटी में आप काम कर रहे हैं. तो इट इज बेसिकली स्टैंडर्ड आवर बाई बजटेड आवर. तो बजटेड है 8000 घंटा, लेकिन मैं काम किया हूँ 8800 घंटे का. तो इसका मतलब आई हैव वर्कड एट 110% कैपेसिटी, राइट? मैंने कितने प्रतिशत में मैं काम कर रहा हूँ? 110% एक्टिविटी, मतलब मैंने वॉल्यूम 110 जनरेट किया है हिसाब से, जो हमारा बजटेड था उस हिसाब से देखा जाएगा तो हमने 110%. इज दैट फाइन? नंबर थ्री, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज. स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो सोचने वाली बात ही नहीं है, राइट? मतलब मैं कैपेसिटी का कितना यूज कर रहा हूं. बजटेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर, राइट? 8000 बाई 9600 × 100, 83.33%. मतलब मैंने जो बजट बनाया वो मैक्सिमम का कितना प्रतिशत. हम लोग जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं वो बजट को फ्लेक्स किया जाता है स्टैंडर्ड में, एंड देन उसको एक्चुअल से कंपेयर किया जाता है. तो ये हो गया वेरिएंस एनालिसिस, ये वाला. ये हो गया फ्लेक्स. समझ में आ रहा है? एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज, राइट? बताइए, एक्चुअल आवर बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर 7500 × 9600 × 100 कितना आ रहा है? 78.125%. एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, फॉर्मूला खुद बोल रहा है, एक्चुअल आवर बाय बजटेड आवर. Is that fine? तो 5 का 5 marks. क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, राइट? Right?
आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1B. 1B क्या चीज का भैया? देखो तो लेबर का है, इससे आसान हो नहीं सकता. सबसे पहला ए 40 आवर्स, आर 75 पर आवर, टी 30 आवर्स. बोल भाई, सबसे पहला वेजेस हेल्से में कैसे आता है? टी इंटू आर प्लस हाफ ऑफ, इसको बोलते हैं स्पीड में सम करना, ए माइनस टी इंटू आर. कुछ है ही नहीं सम में, तीन चीज दिया है. तीस इंटू 75 प्लस हाफ ऑफ 40 माइनस 30 इंटू 75, दैट कम्स टू हाउ मच? कैलकुलेट करो. 2625. जिनको वेट करना है करते रहिए, मुझे तो नहीं करना. पार्ट टू में अब पूछा है रोवन, 30 इंटू 75 प्लस 30/40 × 40 माइनस 30 × 75. ये तो 2250 आ रहा है, प्लस 7.5 का 75, फाइव कितना? 62.50. सो दैट कम्स टू रुपीस, बताइए, 2812.50. नंबर थ्री, वापस से वेजेस पूछा है टाइम रेट सिस्टम में. टीन टू आर खत्म खेल, 30 × 75 2250. फिर से वेजेस पूछा है, ए इंटू आर 40 × 75 खेल खत्म. मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग है ना मेरा, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं. राइट, इसमें पहले अपने को एफिशिएंसी मांगता है, ए बाय टी इंटू 100 स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल. अभी तो ऊपर में सेम सम था, 40/30 × 100 तो ये आएगा 133.33%. तो अपने इसको 133 अप्रोक्स ले लेंगे. तो बोनस रेट कितना आएगा भाई? 100 के लिए 20 तो है ही, प्लस हर एक के लिए 100 के ऊपर जितना भी रहेगा उसके लिए एक, तो 100 के ऊपर मैं 33 है तो 33 के लिए 33, दैट कम्स टू 53%. तो यहाँ पे वेजेस कैसे आता है? टी इन टू आर प्लस बोनस, दैट इज 30 × 75 प्लस 53%. अगर डेसिमल रहता है तो एमर्सन में हम लोग इग्नोर करके चलते हैं उसको, जग जाहिर है ये बात. 2250 का 0.53 जो भी आएगा उसमें 2250 जोड़ देंगे, रुपीज 3442.50. एक्चुअल में आई हैव डन इट इन 4 मिनट्स, ये सब मैंने 4 मिनट में किया है. यू हैव टू बी क्विक, इसमें कुछ है ही नहीं, बेसिक लेबर का फर्स्ट सम मैन.
ठीक है। नाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख के तो जॉइंट प्रोडक्ट लग रहा है, जॉइंट एक्सपेंसेस वर्ड लिखा हुआ है। अ फैक्ट्री इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल बोमिक्स इन द कोर्स ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर बाय प्रोडक्ट क्रोमिक्स आता है। बी मेरा बना रहा हूँ लेकिन सी बन जा रहा है, राइट। इज प्रोड्यूस्ड विच आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हैज अ कमर्शियल वैल्यू। मतलब मैंने आपको बताया था बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट क्या क्या बताया था, एक बार क्विकली अपने रिकैप करेंगे। अगर स्मॉल वैल्यू का है तो नंबर वन ट्रीटमेंट, नंबर वन ट्रीटमेंट क्या होता है, नंबर वन ट्रीटमेंट जल्दी बताओ। अगर स्मॉल वैल्यू का है तो नंबर वन ट्रीटमेंट क्या होता है, मिसलेनियस इनकम मान के पीएल में क्रेडिट कर दो। स्मॉल वैल्यू का ही सेकेंड ट्रीटमेंट क्या होता है, जॉइंट कॉस्ट से लेस करो, फिर नेट जॉइंट कॉस्ट जो आएगा बाई प्रोडक्ट का सेल वैल्यू को नेट जॉइंट कॉस्ट से लेस, जॉइंट कॉस्ट से लेस करो तो नेट जॉइंट कॉस्ट जो आएगा उसको जॉइंट प्रोडक्ट में डिवाइड कर देंगे। अगर कंसिडरेबल वैल्यू का है, कंसिडरेबल वैल्यू में बाई प्रोडक्ट को एक जॉइंट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर लो। अगर बाई प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग करने का दरकार पड़ेगा तो बाई प्रोडक्ट का जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगा वो जॉइंट कॉस्ट से माइनस कर दो, रिमेनिंग जॉइंट कॉस्ट बाई प्रोडक्ट में चला जाएगा, राइट। तो ये सब चीज मैंने आपको बताया है। लास्ट वाले को अपने बोलते हैं रिवर्स कॉस्ट मेथड। इज दैट फाइन? तो ये सब का सम मैंने आपको क्लास में करवाया है। आइए, सो अगर मैं बाई प्रोडक्ट की बात करूं, फिर भी मैं दिखा देता हूं एक बार, चलो टाइम ज्यादा लगेगा कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल वैल्यू की है तो आप इसको मिसलिनियस इनकम ट्रीट कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट फ्रॉम जेसी, ठीक है। कंसीडरेबल वैल्यू का है तो ट्रीट बाय प्रोडक्ट एज जॉइंट प्रोडक्ट। इसका थ्योरी क्वेश्चन आया था नवंबर 18 में, मैंने डिस्कस भी किया था। और इफ बीपी रिक्वायर्स फर्दर प्रोसेसिंग तो स्टेप वन है इसकी एनआरवी निकाल लो, एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट। स्टेप टू रिमेनिंग जेसी अमोंग जॉइंट प्रोडक्ट्स, राइट। Is that fine? Anyone has any problem? बोलिए। तो ये मैंने आपको लिखाया भी है, आइए हम लोग इसका ही सम करेंगे अब। तो हम लोगों को ये लास्ट वाले का सम आया है, क्वेश्चन में लिख दिया है कि उसका कमर्शियल वैल्यू तभी आएगा जब उसको मैं फर्दर प्रोसेस करूँगा। तो हमारा नोट नंबर वन सॉल्यूशन का कैसे होगा? पहले मैं काम करता हूं, खर्चे को समेट लेता हूं। जॉइंट कॉस्ट का टोटल कितना है, 150,000, 30,000, दैट इज
180,000, एफपीसी ऑफ बॉमेक्स 6,000, 20,000, 10,000, 36,000, एफपीसी ऑफ क्रोमेक्स 4,000, 18,000 और 6,000. ठीक है,
सो देयर वॉज सम साउंड डिस्टर्बेंस. तो ये चीज़ क्वाइट एविडेंट है. मैं पहले आपको समझा रहा था ये ट्रीटमेंट्स, राइट. स्मॉल वैल्यू का होगा तो मिसलेनियस इनकम कॉस्टिंग पेल में चला जाएगा, या जॉइंट कॉस्ट से लेस करके फिर रिमेनिंग जॉइंट कॉस्ट को बाकी जॉइंट प्रोडक्ट में डिवाइड कर देंगे. कंसिडरेबल वैल्यू का है तो जॉइंट प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट मान लो, और अगर बाई प्रोडक्ट का फर्दर प्रोसेसिंग है तो बाई प्रोडक्ट का पहले NRV निकालो जैसे निकालते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट का, उसके बाद रिमेनिंग जॉइंट कॉस्ट को अमॉन्ग जॉइंट प्रोडक्ट डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे मैंने पहले ग्रुप बनाया नोट्स में सारे खर्चों को, फिर मैंने NRV निकाला जॉइंट प्रोडक्ट का. मैंने आपको बताया था ऑलरेडी दैट सेल वैल्यू ऑफ एंड प्रोडक्ट से अपने प्रॉफिट मार्जिन लेस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, माइनस सेलिंग एक्सपेंस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा. वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से अगर मैं फर्दर प्रोसेसिंग लेस कर दूँ तो रिमेनिंग कॉस्ट क्या होता है, जॉइंट कॉस्ट होता है. तो यहाँ पे मैंने इन तीनों चीज़ों को लेस कर दिया तो रिमेनिंग जो मेरा NRV आ रहा है दैट इज नथिंग अदर देन जॉइंट कॉस्ट एलोकेबल टू बाई प्रोडक्ट. अभी हम लोगों को पार्ट टू में बोला है, राइट. इस टाइप का सम्स मैंने आपको कराया है, इसको रिवर्स कॉस्ट मेथड बोलते हैं. बैकवर्ड कैलकुलेशन से आपने कॉस्ट निकाल लिया NRV, वही जॉइंट प्रोडक्ट का, वही बाई प्रोडक्ट का जॉइंट कॉस्ट एलोकेबल है, राइट. अब अपने को प्रॉफिटेबिलिटी बनाने बोला है प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल. तो पहले मैं सेल्स लूंगा, 2000 × 100 करके बेचेंगे तो ये 200000 में बिकेगा, ये 80000 में बिकेगा, कुल मिला के हमारा आ गया 280 लेस जॉइंट कॉस्ट मेरा और आपका. तो मेरा तो भैया 42000 आया है, तुम्हारा देख लो 180 में से बैलेंसिंग हो जाएगा, आया ना. जॉइंट कॉस्ट ऑफ बोमेक्स दैट इज 180 था, उसमें से हमारा 42000 इसका, तो बाकी बचा 138 और एक ही जॉइंट प्रोडक्ट है तो पूरा इसी में आएगा. यहां पे आ गया 180 लेस फर्दर प्रोसेसिंग, मेरा 36 है तुम्हारा 28 है, हम दोनों का मिलाओगे तो ये आएगा कितना, 64. तो हिसाब से हमारी प्रॉफिट्स कितनी आएंगी, इधर आएगा 26, इधर आएगा 10, मिला के हो गया 36. ठीक है, बहुत ही अच्छा सम था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि नहीं किया हुआ है. बट इस टाइप का सम्स हम लोग लास्ट मोमेंट में जब अपने बाई प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोग हार जाते हैं एक चैप्टर करते करते, तो हम हमारा इंटरेस्ट लूज कर बैठते हैं, राइट. इज दैट फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट सम. ये नोट नहीं दिखाने से भी चलेगा, रिवर्स कॉस्ट मेथड बोलते हैं इसको अपने, क्या बोलते हैं, रिवर्स कॉस्ट अप्रोच. राइट, देख लीजिए. अभी हम लोगों को बोला है रिकंसिलिएशन दिया है बट स्टेटमेंट नहीं, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बोला है. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1D, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन
रिकंसिलिएशन अकाउंट, राइट। तो हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स दिया हुआ है ना, और फाइनेंशियल बुक्स का लॉस दिया। हम हमेशा कॉस्ट बुक्स के साथ साथ करते हैं, बाय नेट प्रॉफिट एज पर सीबी कितना है 48408। और हमारा फाइनेंशियल में लॉस है तो यहाँ पर आएगा बाय नेट लॉस एज पर एफबी 15,000। इधर आना चाहिए था प्रॉफिट आता तो, बट यहाँ पे आएगा। याद रखिएगा सारा प्रॉफिट क्रेडिट साइड में, लॉस ऑन द डेबिट साइड, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, सब कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है। वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा 48600। ऑफिस ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, बाय ऑफिस ओवरहेड ओवर रिकवर्ड 11500 है। ओके, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, तो ये इनकम है, बाय डिविडेंड रिसीव्ड 17,475, राइट। बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये सब फाइनेंशियल इनकम है, कॉस्ट में नहीं कंसीडर किया हुआ इसलिए इनकम क्रेडिट कर रहा हूँ, 21,650। ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 17,800। टू ऑब्सोलेसेंस, ये सब कॉस्ट में चार्ज नहीं हुआ है तो अभी चार्ज कर रहा हूं। स्टोर एडजस्टमेंट, राइट, स्टोर एडजस्टमेंट डेबिट इन फाइनेंशियल, नाउ फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, राइट। स्टोर एडजस्टमेंट डेबिट इन फाइनेंशियल, राइट, मतलब खर्चा को डेबिट करना है तो ये वो खर्चा है जो कॉस्ट में नहीं हुआ हुआ है, तो टू स्टोर एडजस्टमेंट डेबिट, राइट, 35433। जैसे ये डिविडेंड रिसीव क्रेडिट इन फाइनेंशियल, क्रेडिट इन फाइनेंशियल, इंटरेस्ट ऑन एफडी, पीबीडी डेबिट, ऑब्सोलेसेंस डेबिट, तो ये सब डेबिट है, ये सब कॉस्ट में कंसिडर्ड नहीं है। डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल में 30, कॉस्ट में है 5, तो ओवर रिकवरी है, बाय डेप्रिसिएशन ओवर रिकवर्ड 5। नाउ आपने कैलकुलेट करके देखना है 48408 प्लस 11500 17,475
मैच कर रहा है, ये हमारा मैच कर रहा है, देख लीजिए। Is that fine? Any problem, anyone?